हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो जो हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। हमने उसमें लेजिटिमेट गवर्नमेंट की बात करी थी लास्ट। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक आउटकम्स के बारे में। सो इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी आर द प्रोमिनेंट इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अगर हम प्रोमिनेंट की बात करें, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ इकोनॉमिक आउटकम्स क्या होते हैं डेमोक्रेसी के, तो वो ये है कि पहली बात तो कंट्री में क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, पॉवर्टी में रिडक्शन होना चाहिए, ठीक है, इनइक्वालिटी होनी चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ गवर्नमेंट दैट इट शुड ब्रिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। हर गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट करा जाता है, हर सिटीजन ये एक्सपेक्ट करता है कि वो क्या लाएगा हमारी कंट्री में, इकोनॉमिक ग्रोथ लाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाएगी। बट मेनी डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड आर अनेबल टू फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशन, ठीक है। लेकिन जितनी भी डेमोक्रेसीज होती हैं दुनिया में, वो फुलफिल नहीं कर पाती इस एक्सपेक्टेशन को, ठीक है, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन साइज, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ग्लोबल सिचुएशन, कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज सबकी अलग अलग होती हैं। सो देर आर सम सिग्निफिकेंट डिफरेंसेज बिटवीन रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सो हमें क्या देखने को मिलता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ की रेट में काफी डिफरेंसेज देखने को मिलते हैं हर कंट्री में, ठीक है, जो डिक्टेटरशिप में होती हैं और जो डेमोक्रेसी में होती हैं। सब में क्या होता है, अपने अपने इकोनॉमिक ग्रोथ में अलग अलग उनके क्या होते हैं, रेट होते हैं, अलग अलग उनके क्या होते हैं, डिफरेंसेज होते हैं। सेकेंड इज रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, ठीक है। तो हर जगह हमें क्या चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, हर जगह पॉवर्टी कम होनी चाहिए। सो गवर्नमेंट से ये भी एक्सपेक्ट करा जाता है कि वो इनइक्वालिटी को कम करे, ठीक है, पॉवर्टी को कम करे। सो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी किस पे बेस्ड है, कि पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी चाहिए एंड ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। सो सारे लोगों के पास क्या होना चाहिए, इक्वल राइट होना चाहिए कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या कर सके, चूज कर सके। बट अलॉन्ग विद दिस पॉलिटिकल इक्वालिटी वी कैन सी ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अमंग द इंडिविजुअल्स। लेकिन जैसे जैसे हम ये देखते जा रहे हैं कि पॉलिटिकल इक्वालिटी ग्रो कर रही है, लेकिन वहीं पर हम ये भी देख रहे हैं कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी आ रही है, ठीक है, काफी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है। कोई बहुत ज्यादा गरीब है, कोई बहुत ज्यादा अमीर है, ठीक है। सो अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय अ हाई डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम्स। सो अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में ही देखें तो काफी कम लोग, यानी कि स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच बोल सकते हैं, जिन्हें रिच भी नहीं, अल्ट्रा रिच यानी कि बिलियनर्स इंडिया में ही है। एंड दे एंजॉय हाई डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम। तो क्या एंजॉय करते हैं, हाई डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर को एंजॉय करते हैं अपनी वेल्थ को और इनकम को। ड्यू टू दिस रीजन देयर शेयर इन टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज इंक्रीजिंग, जिससे उनका क्या हो जाता है, उनका टोटल शेयर जो इनकम कंट्री की इनकम में क्या हो जाता है, काफी इंक्रीज हो जाता है। ऑन द अदर हैंड जो पुअर है उनकी इनकम काफी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। So sometimes the poor find it difficult to meet their basic needs of life. तो कभी कभी जो बेचारे गरीब होते हैं उन बेचारों को तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स नहीं मिल पाती, खाना नहीं मिल पाता, कपड़े नहीं मिल पाते, घर नहीं मिल पाता, एजुकेशन नहीं मिल पाती, हेल्थ नहीं मिल पाती। सो द पुअर कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ वोटर्स। और जो ये गरीब लोग होते हैं ये काफी लार्ज नंबर ऑफ लार्ज प्रपोर्शन क्रिएट करते हैं और ये बहुत लार्ज नंबर होते हैं जो हमारे वोटर्स लिस्ट में है। येट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर नॉट इन टू टेक अप द क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी। लेकिन फिर भी ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक गरीबों को ऊपर लाने के बारे में नहीं सोच पा रही है। द सिचुएशन इज मच वर्स इन सम अदर कंट्रीज, ठीक है, कुछ कंट्रीज में तो ये सिचुएशन और बुरी है। इवन पीपल ऑफ पुअर कंट्रीज आर नाउ डिपेंडेंट ऑन द रिच कंट्रीज। आज तो ये ऐसे हालात हो गए हमारे देश के कि जो पुअर कंट्रीज के लोग हैं उनको रिच कंट्रीज के लोगों पर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। अगर हम अफ्रीका में ही देख लें कितनी गरीब कंट्री के वहां पर कितनी गरीब गरीब कंट्रीज हैं, उन लोगों को दूसरे कंट्रीज से राहत सामग्री मिलेगी करके उस पर डिपेंड होना पड़ता है, उनको एड मिलते हैं वहां से। सो इकोनॉमिक आउटकम्स मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, इनइक्वालिटी में रिडक्शन होना चाहिए, पॉवर्टी में रिडक्शन होना चाहिए। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, दैट्स इट,
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोशल आउटकम्स के बारे में. ओके बाय.